हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन स्टॉक्स में FII सबसे ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं उन स्टॉक्स का हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों FII जिन भी स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा बाइंग करते हैं उस स्टॉक्स में हमारे लिए बुलिश साइड में एक अच्छी रैली दिखाई देती है, ताकि हम भी उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाएँ और वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पता कर लगा सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में FII सबसे ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। दोस्तों इसके लिए हम यूज़ करेंगे screener.in का मोबाइल एप्लीकेशन। इसका यूज़ करके हम पता लगाएंगे कि कौन से स्टॉक्स में FII सबसे ज़्यादा बाय कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। screener.in पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनी है, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा और उस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई देता है, आप देखोगे स्क्रीन्स का। हम स्क्रीन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे टॉप में ही आपके लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा FII बाइंग। एक पॉपुलर टर्म्स है जिनके लिए सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो हम FII बाइंग पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ से देख सकते हो हमारे सामने 88 ऐसे स्टॉक्स आ चुके हैं जिनमें क्वार्टरली FII ने सबसे ज़्यादा बाइंग की है। यहाँ पर यूनियन बैंक है, इंडिया बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, ग्लैंड फार्मा, KPR मिल्स, हिमाद्री स्पेशल, श्याम मैट्रिक्स। अब जितने भी स्टॉक्स मैंने आपके लिए बताए हैं इन स्टॉक्स में FII ने सबसे ज़्यादा बाइंग की है। कितनी बाइंग की है वो चेंजेज में भी आपको दिखा देता हूँ। हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हो, मैं आपके लिए दिखाऊं तो आप देखोगे कि पिछले क्वार्टर में यूनियन बैंक में FII की होल्डिंग थी 1.43%, अभी इसमें हो चुकी है 2.89%। इंडियन बैंक में पहले ये होल्डिंग करते थे 2.93%, अब कर रहे हैं 6.93%, यानी कि डबल इन्होंने यहाँ पर होल्डिंग अपनी बढ़ा दी है। बैंक ऑफ इंडिया में 3.94% थी, अब 6.14% यहाँ पर इनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है। तो आप यहां से देख सकते हो कि FII ने इन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा यहां पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब मैं आपके लिए वो भी दिखा देता हूं कि जैसे यूनियन बैंक में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है तो यूनियन बैंक के स्टॉक्स के प्राइस में कितना चेंजेज आया है। इस पर यूनियन बैंक पर क्लिक करूँगा तो अब आप यहाँ से देख सकते हो पिछले तीन महीने ने यहाँ पर इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। हम चार्ट पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर 6 महीने पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहां से इस चार्ट पे एनालिसिस करके देख सकते हो कि जब से ही इनकी होल्डिंग बढ़ी है FII की यहां पर स्टॉक्स के चार्ट में किस तरीके से हमारे लिए ग्रोथ दिखाई दे रही है। यहां से आप देख सकते हो कि 85 रुपये का स्टॉक्स अभी 185 के 130-135 के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह से मैं आपको दूसरा स्टॉक्स दिखाता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक पर हम क्लिक करेंगे और मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा तो उस पर आप देख सकते हो। एक 6 मंथ पे क्लिक करता हूँ, 6 मंथ में आप यहाँ से देख सकते हो कि जो स्टॉक्स 340 के आसपास चल रहा था वो स्टॉक्स अभी 440 के आसपास चल रहा है। और मैं आपके लिए एक और स्टॉक्स दिखा देता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया या ग्लैंड KP, किसी को भी लेते हैं हम, KPR मिल्स को ले लेते हैं और हम चार्ट पे जाएंगे तो आप इसको देख सकते हो 550 का ये स्टॉक्स यहाँ पर एक साल का दिखा रहा है। 550 का ये स्टॉक्स अभी 750 पे ट्रेड कर रहा है और हाईएस्ट इसने 890 के आसपास से हाई बना के अभी थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो कि जिन भी स्टॉक्स में FII बाइंग करते हैं उन स्टॉक्स में किस तरीके से रैली यहाँ पर दिखाई देती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो स्टॉक्स FII बाय कर रहे हैं उन स्टॉक्स का हम यहाँ से पता कर सकते हैं और उन स्टॉक्स में बाय करके हम भी थोड़ा बहुत उनके साथ प्रॉफिट बना सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।